अदारा अवाम पाकिस्तान में मोहतरमा सोनिया जावेद जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर, और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मैडम, आप अपने अदारे के बारे में कुछ बताएं। अदारे के बारे में अगर थोड़ा बताती चलूँ तो मैं एक सोशल सेक्टर के साथ मुंसलिक हूँ कोई 5 साल से, और एक अदारा है अवाम पाकिस्तान, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अवाम पाकिस्तान बेसिकली फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ वुमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, और इसका ज्यादातर जो काम है ये ह्यूमन राइट बॉडी है, और ज्यादातर हम इसमें फोकस करते हैं जितने भी पिछड़े हुए तबकात हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिनमें खवातीन है, रिलीजियस मिनोरिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उन पे हम काम करते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? चूंकि पाकिस्तान जो है वो डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब कि मुख्तलिफ जो डाइवर्स कम्युनिटी से लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ जुबानों से, मुख्तलिफ रिलीजियस से और मुख्तलिफ काफ़तों के लोग यहाँ पे बसते हैं। तो और डाइवर्स कम्युनिटी जब अपने अपने क्योंकि हम यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो डाइवर्स कम्युनिटी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ मजहब के जब लोग यहाँ पे रहते हैं तो अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसकी खूबसूरती यही है कि जब हम दूसरे को, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, और उनमें जो बाकी डाइवर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको इस तरह के मौके फ्राहम करने हैं, उन्हें आजादी देनी है कि वो अपनी जो कल्चरल रसूमात हैं या मजहबी जो उनकी रसूमात हैं उनको जो है वो आजादी से मना सके। इसमें मैं गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं उनको अप्रिशिएट गवर्नमेंट को करना चाहूंगी कि पहले हम पिछले सालों में अगर हम देखें तो ईस्टर का जो हॉलीडे है उसकी छुट्टी नहीं थी, लेकिन इस साल हम देखते हैं कि ईस्टर पे एक हॉलीडे मतलब एक छुट्टी भी दी गई है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको। और मिसाल के अगर मैं इसकी मिसाल ये दूं कि पिछले सालों में जब हम इसका मुआवजा करते हैं तो मिनोरिटी के स्टूडेंट्स को अक्सर जो है वो पेपर देने के लिए भी जाना पड़ता था, तो वो कैसे अपने इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और क्योंकि मैं अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखती हूँ और अवाम पाकिस्तान का एक खासा ये भी रहा है कि ये फॉर्मल सेक्टर की तो बात करते हैं लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की भी बात करता है, और जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की मसाइल की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमारे होम बेस्ड वर्कर हैं, पीजेंट वर्कर हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत उनके मसाइल में से एक मसला ये भी है कि ईस्टर का त्यौहार, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि इनका क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये भी त्यौहार होता है, तो उन्हें छुट्टी दस्तयाब नहीं होती, तो ये भी एक मसला है। दूसरा, सैनिटरी वर्कर्स की मैं अगर बात करूँ तो इस माह उन्हें सैनिटरी वर्कर्स को ये खबर सामने आई है कि उन्हें तनख्वाह ही नहीं दी गई, तो किस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से इस त्यौहार को मना सकते। जी शुक्रिया। और मैडम बताइएगा, आपका जो विजन है अवाम अदारे का, उसमें क्या चीजें जो है जरूरी है, अपना विजन थोड़ा सा क्लियर करें आप। विजन हमारा यही है कि जैसे मैंने बात की कि हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं, और हम अगर डायमेंशंस की बात कर ली तो हमारा मेनली जो फोकस है ह्यूमन राइट एजुकेशन का है, और कनेक्टिविटी बिल्ड करवाना कम्युनिटी की स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ, और दूसरा पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना, ये है हमारा जो डायमेंशन ऑफ वर्क है वो ये है। और अगर मैं आज के दिन ईस्टर के दिन के हवाले से मैं अगर बात करूँ और मसीह की तालीमात के अकॉर्डिंग अगर मैं मैसेज देना चाहूँ अपनी कम्युनिटी को, तो ये है कि हमें सांझ की सकाफत को प्रमोट करना है, उसको फ्रॉग देना है, और पाकिस्तान की तरक्की में बींग क्रिश्चियन अपना अपना रोल जो है वो हमें प्ले करने की जरूरत, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे अचीवमेंट्स हो चुकी हैं खवातीन के लिए। पिछले द्वार में अगर हम जाके देखें तो खवातीन को जैसे वोट का हक नहीं था या उनके उनके प्रॉपर्टी के राइट, इस किस्म के जो है वो मसाइल थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर स्ट्रगल की है, उनके एफर्ट के जरिए से जो समरात आज हमें नजर आते हैं, हम ये है कि बहुत सारे जो है कानून साजी हो चुकी है, बहुत सारे अदारे जो है वो बन चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द इक्वल स्टेटस।
कि हमें अभी भी इक्वल स्टेटस हासिल नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में अगर देख लें या बाकी इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो इक्वल स्टेटस नहीं है। तो बेसिकली आवाम का विजन यही है कि लोगों को ग्रास रूट पे जाके अवेयर करना, उनके राइट्स के उनको उनके राइट्स का बताना कि आपके राइट्स क्या है और वो किस तरह से डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए कि हमारे राइट्स को किस तरह से फुलफिल किया जाए। बहुत शुक्रिया।